नमस्कार दोस्तों, करियेटा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियेटा। जो तो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि कुछ लोग आपको कहते होंगे बीटेक करके तू तो फंस गया भाई, सही बोलते हैं। और कुछ लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो कभी बोलना नहीं छोड़ेंगे, और ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको झेलना भी पड़ेगा। मुझे भी झेला, जब मैं बीटेक सेकेंड ईयर में था तब से मैं झेल रहा हूँ। फर्स्ट ईयर तो छोड़ दो, सेकेंड ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक जब तक पास आउट नहीं हो गया, पास आउट होने के बाद जॉब अच्छी खासी नहीं लगी, एक दो साल टाइम लगे अपने आप को डेवलप करने में इंडस्ट्री में, तब तक ये लोगों की बात सुनता रहा मैं कि बीटेक करके तू तो फंस गया भाई। और ये बातें वो लोग करते हैं, मैंने बताया था कि आपको लास्ट वीडियो पॉलिटेक्निक वाले वीडियो में, बीटेक वालों को भी मैं ये सजेशन देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहें। ये ऐसे लोग होते हैं जो आपका करियर स्पॉइल कर देंगे और डीमोटिवेट आपको कर देंगे। डीमोटिवेट जब आपको कोई करता है ना, तो जो माइंड सेट होता थोड़ा खराब तो होता है, लेकिन इंजीनियर हो यार तो उतना तो झेलने की कैपेसिटी आपको रखना पड़ेगा कि चाहे वो प्रेशर हो इंडस्ट्री का, चाहे वो पढ़ाई का प्रेशर हो, चाहे कोई और चीज हो, तो उतना झेलना तो आपको आना चाहिए। अगर उतना झेलना आपने नहीं सीखा ना, तो लाइफ में बहुत सारी चीजें बहुत सारे इशू कर देंगी। तो मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि अगर आप बीटेक करने जाते हैं तो कुछ पॉइंट हमेशा माइंड सेट में रख लें कि आपको चैलेंजेस हमेशा एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, जो मैं हर वीडियो में बताता हूं आपको। दूसरा ये है कि आप जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई करो, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ऐसा हो रहा था इंजीनियरिंग कॉलेजों में कि डिग्री ओरिएंटेड पढ़ाई हो रही थी और डिग्री आपको मान नहीं बनाती है। मैं बता दूं, एक टॉपर स्टूडेंट हो, एक एवरेज स्टूडेंट हो बीटेक का, अगर उसका प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा है तो वो इंडस्ट्री में आपको पीछे करके आगे निकल जाएगा। मेरे साथ भी हुआ यार, मैं भी, हालांकि मैं रट्टा तो नहीं मारता था, लेकिन मैंने एक टाइम था कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से पीछे था, लेकिन एक बैग मैंने उनको यूं पीछे कर दिया। लेकिन वो मतलब डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे डेवलप कर रहे हो इंडस्ट्री में और क्या कर रहे हो आप, और नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को कैसे लेकर के जाओगे, बहुत सारी चीजें एड ऑन होती है उसमें। तो मैं बस बीटेक वालों से यही उम्मीद करूंगा कि जो बीटेक वाले हैं वो अपने आप को समझे, और आपको हमेशा अपने पॉजिटिव पॉइंट और निगेटिव पॉइंट दोनों पे काम करना होगा, क्योंकि कुछ निगेटिव पॉइंट होते हैं जो हमें मतलब सुधारना ही सुधारना होता, और कुछ ऐसे हमारे पॉजिटिव पॉइंट होते हैं जिनको थोड़ा सा और हम इम्प्रूवमेंट कर लें तो अलग लेवल पे जा सकते हैं। तो ये जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं, अगर जैसे कम्युनिकेशन स्किल, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए यार। प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपनी इंग्लिश हमेशा अच्छी रखें, क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहे हो और अगर इंग्लिश अच्छी नहीं हुई ना तो बहुत सारी इशूज आ जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप झेल जाओगे और चीजें आपके अकॉर्डिंग ना होकर कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। तो वो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको इंजीनियरिंग में इंग्लिश आना जरूरी है। उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे कि मैंने बीएड अपनी बढ़ा रखी, दाढ़ी बढ़ा रखी है, बट मैं सेट कराते रहता हूँ। कहीं भी इंटरव्यू में जाओ, अपनी दाढ़ी सेट करो, अपने हेयर स्टाइल सही से रखो, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं कि अपनी पर्सनालिटी किस तरह से, कपड़े पहनना किस तरह, क्या करना, इंटरव्यूअर किस तरह फेस करना, क्या करना, वो सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए। मैं बता दूं, मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में 20-20 लाख रुपए लेके कंपनीज बाहर से आती थी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस कराती थी। तो वो सारी चीजें अगर आप एड ऑन कर लोगे अपने अंदर ना, तो आपको अच्छे इंजीनियर बनने से और अच्छी जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जो बात आप सुनते हो इंजीनियरिंग करके तू तो फंस गया, ये भी बात नहीं आएगी और आप अपने आप को बहुत दूर तक लेके चले जाओगे। तो ये वीडियो था, बस आप लोगों को समझाना था और आप लोग उम्मीद है समझ जाओगे। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते, अपनी राय जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में जाके कि आप क्या इसके बारे में सोचते हैं। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।